लौकिक फादर का धन बाबा की सेवा में लगा सकता हूँ या नहीं? हाँ, लगा सकते हैं। अगर पिताजी को बताते हैं, अगर बेटा माताजी है, पति का पैसा है, लड़की है, पिताजी कहते हैं, दीदी ने लगाया, पिताजी को कहा तुम नौकरी छोड़ के करो, है ना, तो आपके सामने सिंपल है, तो आप भी पति का, बच्चे का, माँ बाप की अमानत है, तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, चोरी नहीं करना। उनको बता करके पिताजी ने शरीर छोड़ा तो वो कोई नहीं है, तो वो धन आप सेवा में लगा सकते हो, इसमें कोई चोरी नहीं है ना। अगर माँ बाप थे, अभी माँ को लड़की को शादी करके दिया, माँ बाप के कोई बच्चे भी नहीं है, घर मकान पड़ा हुआ है, जमीन पड़ी है, वो आप सेंटर खोलो, बेच करके बाबा की सेवा में लगाओ, तो उनका भी कल्याण होगा, है ना, धन नहीं तो ऐसे चला जाएगा, है ना, तो कर सकते हैं। समझ की बात है और दृढ़ता की बात है, वार्षिक बाबा पर विश्वास में सिद्ध रहते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास जब हो जाए तो उसका परिणाम क्या होता है, भैया ने बहुत सारी बातें आप लोगों को उदाहरण देकर के सुनाई, हम तो आप लोग किसी बात को उल्टा नहीं, हमारे एक माता है मुझे मिली थी अभी, तो उसकी बेटी की शादी, और जितना भी सोना वगैरह था, जेवर वगैरह था, शादी में देना था, वो कहा कि मेरा बाबा शिव बाबा है, ये सारा धन मैं बाबा के काम में लगाऊंगी, लड़की की शादी में मैं नहीं दूंगी, नहीं दिया। तो उसने को कहा, उन्हें अपना बहना भी बने वो सारा समाचार सुना देते, उन्होंने लगा दिया इसमें, लेकिन शादी तो हुई, परंतु वो शादी में समृद्ध नहीं हुई कि मैं बाप के काम में हाथ नहीं लगाऊ। तो फिर लड़की के ससुर ने जब सुना कि ऐसा ऐसा किया तो मिलने के लिए आया, फिर उस माता ने उसकी बड़ी सेवा की, सर्विस की, और सर्विस करने के बाद फिर वो व्यक्ति इतना खुश हुआ कि वो खुद ही फिर माउंट आबू आया और आकर के देखा, कहा हमारी संधि इतनी अच्छी है, लेकिन वो सारा जितना जेवरात था दहेज में देने का उस सारा उसने बहन जी को दिया, बहन जी शिव बाबा के कार्य में लगा दो, सबका भला होगा इसमें। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे को मिली, निर्मला बहन जी ने बताया इनसे मिलो, तो बेटी की शादी में धन नहीं खर्च करेंगे लेकिन शिव बाबा के कार्य को बढ़ाएंगे, इसको लगाएंगे। अगर कोई बिगर पैसे की शादी करना चाहे तो करें, एक